हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातुओं के निष्कर्षण की हमारी चर्चा से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अयस्क ओर क्या है। पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज, मिनरल्स कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क ओर कहते हैं, क्योंकि अयस्क में कुछ धातु अपने यौगिक रूप में मिलते हैं। इन्हें उनके शुद्ध रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अयस्क ओर से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। अब दोस्तों, अयस्कों को शुद्ध धातुओं में परिवर्तित करने के लिए कई चरण होते हैं। ये चरण उपयोग किए जाने वाले अयस्क के प्रकार, अशुद्धियों की प्रकृति और निष्कर्षित किए जाने वाले धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं। धातुओं के उनके अयस्कों से निष्कर्षण में शामिल प्रक्रियाओं की संख्या और परिष्करण को धातु कर्म, मेटलर्जी कहा जाता है। इसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। एक, अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दो, सांद्रित अयस्क से धातु में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तीन, धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम इनमें से प्रत्येक चरण पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में मौजूद रेत, मिट्टी, चूना आदि जैसी अवांछित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षित करने से पहले इन अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों के बीच के अंतर पर निर्भर करती हैं। गैंग को हटाने से हम सांद्रित अयस्क प्राप्त करते हैं, अर्थात इसमें धातु बहुत अधिक प्रतिशत में मौजूद होगा। सांद्रित अयस्क से धातु में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। सांद्रित या समृद्धित अयस्क से धातुओं को निष्कर्षित करने के उद्देश्य से हम सभी धातुओं को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। दो, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तीन, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हम एक एक करके तीनों वर्गों पर चर्चा करेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु काफी अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार, HGS, मर्करी, पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्करी पारद में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु में गर्म करके
उसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन, रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन, कैल्सिनेशन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निष्पेक्षित हो जाते हैं, तथा एनोड, धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, अब हम इस निष्करण प्रक्रिया के अंतिम चरण को देखें, जो है धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इस तरह से उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु
विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निष्पेक्षित हो जाता है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निष्पेक्षित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंक, एनोड मड कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा, corrosion and prevention from corrosion के बारे में जानेंगे।